हेडर के अंदर मेरे को क्या क्या चाहिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखो, हेडर के अंदर मेरे को क्या चाहिए, हेडर के अंदर फर्दर मेरे को एलिमेंट्स चाहिए, कंटेनर्स चाहिए, एक लोगो रखने के लिए चाहिएगा, फिर ये आइकन्स रखने के लिए चाहिएगा। तो अभी आते हैं अपना एचटीएमएल के पास। तो हेडर में ये तो मेरे को चाहिए नहीं, ऑब्वियसली। मैंने कहाँ पर रखा था, ये वाला मतलब बैकग्राउंड कलर और कलर, ये सब मेरे को चाहिए नहीं। तो ये मेरा हेडर आया, ये मेरा हेडर जिसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, राइट। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, तो आई एम कमिंग बैक, मेरा एचटीएमएल के पास आते हैं। एचटीएमएल के पास आकर के, जैसे मैंने पहले ही बात की है, हमको एक लोगो नाम का डिव चाहिएगा। ये डिव के अंदर मेरे को इमेज चाहिए, ये डिव के अंदर मेरे को इमेज चाहिए। अब इमेज कौन से वाला मेरे को चाहिए, अब देखो इमेज तो मेरे पास है नहीं, तो ये वाला इमेज हम एज इट इज यहाँ से कॉपी करने वाले हैं। या ये इमेज नहीं है क्या, इंस्पेक्ट, यहाँ पर आप क्लिक करो, यहाँ पर आप क्लिक, एसवीजी है। तो अगर मैं इसको कॉपी कर दो, नहीं मेरे को नहीं चाहिए एसवीजी, मेरे को यूज नहीं कर रहा है। देखो तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन है हम लोग गूगल करेंगे, google.com पे जा करके हम लोग बोलेंगे लिंक्ड इन लोगो। अब यहाँ से इमेजेस पे गए, इमेजेस पे जाने के बाद या भी ये आपका चॉइस, आपको कैसे वाला इमेज चाहिए, सेम आप फाइंड कर सकते हो या इसका लुक एंड फील ऐसा किसी का आएगा वो आप देख सकते हो। तो मेरे को लगता है ये वाला या ना, एक लोगो वो सर्च करते हैं। अभी देखो यहाँ पर भी क्या है, हम लोग सर्च कर सकते हैं। पहले मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरे को चाहिए पर सही था, मान लो यार ये वाला मेरे को लगेगा। अब देखो यहाँ पर ये कितना है, 3000 x 2000 पिक्सल। ओपन राइट, इसको मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये देखो ये इतना बड़ा इमेज है, इतना बड़ा इमेज है। पर एक्चुअली आप खुद सोचो यार, आपको दिखाना कितना बड़ा है, इतना बड़ा इमेज को यू विल जस्ट शो इतना बड़ा, यही तो होगा, इतना सा मेरे को दिखाना है और इतना बड़ा लेके आएंगे। तो ये ऐसा नहीं हो गया जैसे आपके पास बहुत बड़ा सूटकेस है और बहुत सॉरी एक सूटकेस है जिसमें बहुत सारा सामान आपने ठूस ठूस के भर दिया। इतना बड़ा इमेज को ठूस ठूस के एक छोटे से बॉक्स में रखेंगे तो कैसा रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। इमेज तो बहुत बड़ा है, आपने उसको छोटा करके एक छोटे बॉक्स में डाल दिया, पर कैरी करने में वेट तो आपका वो बड़े सामान वाला ही रहेगा। जब भी ये इमेज ब्राउजर पे डाउनलोड होगा तो ब्राउजर तो बड़े वाले इमेज को डाउनलोड करेगा ना। अभी मैं एग्जांपल क्या बता रहा हूँ, आप एग्जांपल के लिए ये डिफरेंस देखो। एक तरफ तो आपके पास छोटा सा कुछ इमेज है, लाइक इतना बड़ा, इतना दिखाना है तो इतना ही इमेज है। एक तरफ आपके पास ये बड़े वाला इमेज है, तो डाउनलोड करने में कौन से वाला इजी रहेगा, वो बड़े वाला है छोटे वाला, ऑब्वियसली छोटे वाला, तो छोटा इमेज ही डाउनलोड करके रखो ना, इतना बड़ा इमेज का फायदा क्या है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, ऑब्वियसली ये लुक एंड फील में सेम है, पर मेरे को इतना बड़ा चाहिए नहीं, मेरे को ना ऐसा कुछ चाहिए जो आपको छोटा सा कुछ इमेज दिला के दे। तो टूल्स में मेरे को बताना है लोगो आइकन, आइकन ठीक है, आइकन में ये आइकन, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, लिंक इन। देखो यहीं पर ना ऐसा लिंक्ड इन का आइकन है ही नहीं, ये रहा, कहीं तो था, कहीं तो था अभी, ये रहा। अब इसका साइज देखते हैं, 2500 x 660। इसको मैंने बोला आइकन चाहिए, टूल्स में जाकर के साइज में मैंने बताया आइकन वाला चाहिएगा, और आइकन वाले में लिंक्ड इन। अभी देखो मेरे को ना वैसा मिल नहीं रहा है, इसीलिए मेरे को बड़े वाला ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा अभी। तो आई एम जस्ट गोइंग बैक, मैंने बैक किया, बैक करने के बाद जो मेरे को अभी ये ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग दिस वन, 1270 के आसपास जो भी है। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, अच्छा एक चीज़ हो रहेगी अभी,
कलर, इसका कलर ब्लू और इसका कलर ब्लू नहीं है, तो ये वाला उठाते हैं, ये वाला आई थिंक सेम, हाँ ये वाला सेम, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, सेव इमेज, कहाँ पर सेव करना है मेरे को, शूलिनी, शूलिनी में अपने पास क्या आएगा, लिंक इन क्लोन, लिंक्डइन क्लोन, एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेजेस, इमेजेस में जा करके मैंने यहाँ पर रखा लोगो, ये तो अलग ही कुछ आ गया, देखते हैं आएगा नहीं आएगा। सेव, अब देखो यहाँ पर मैंने सेव तो कर लिया, ये वाला फाइल इज अवेलेबल, ठीक है, अब इसको मेरे को यूज करना है यहाँ पर, यहाँ तो कहीं भी ना मैं टाइप नहीं कर रहा, मेरे पाथ अगर गलत हो गया तो ऑब्वियसली वो इमेज आएगा नहीं, तो सबसे पहले तो मैंने स्क्रिप्ट यूज किया था, इसके बाद मैंने अपना लिंक यूज किया था, अभी मैं इमेज यूज कर रहा हूँ और हर जगह पे जाके आई एम जस्ट डूइंग कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस में जाके एसेट्स मेरे को फाइंड करना है, इमेजेस के अंदर ये इमेज है एंड लेट्स सी ये इमेज लगाने के बाद आपका आउटपुट कैसा आएगा, आपका आउटपुट बढ़िया, इमेज आ गया। अब देखो मेरा एग्जाम्पल बिल्कुल जो मैंने बताया, आपके पास जो भी सामान है वो सामान को आप एक सूटकेस में भरोगे, तो आपका सामान सोचो इतना बड़ा, मतलब तो मैं बड़े का एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आपका ये एक यहाँ पर बड़े का एग्जाम्पल इज लाइक 5 किलो आपके पास सामान है, वो आप 1 किलो वाला बैग में रख रहे हो, राइट, तो बस ये आप समझो, अभी ये इमेज बहुत बड़ा है, ये इमेज को एक्चुअली मेरे को ऐसा करके दिखाना है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा अभी के लिए मैंने डाउनलोड ही बड़ा वाला इमेज किया है, पर आपको इतना बड़ा इमेज यूज नहीं करना, ठीक है, छोटा दिखाना है तो छोटा इमेज होना चाहिए, पर ठीक है अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मेरा लोगो वाला डिव है, लोगो वाला डिव, इसका ना मैं CSS चेंज करके आ रहा हूँ, अभी मैंने बताया जहां भी मेरे पास लोगो होगा वहां पर आई एम जस्ट सेइंग कि इसका वेट कितना होने वाला है, अब इसका वेट अभी के लिए मैं 200 पिक्सल लेके आया, 200 पिक्सल, एंड लेट्स सी क्या ये मेरे रिक्वायरमेंट में आता है, नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि जो इमेज है इमेज का अपना एक विड्थ है, तो मेरे को इमेज का विड्थ भी बताना पड़ेगा, और यहाँ पर मैंने बताया मे बी आपके आपके पास ये पेज में ना बहुत सारे इमेजेस हैं, तो मैंने बताया मेरा इमेज जो लोगो के अंदर है, लोगो वाला डिव के अंदर वाला इमेज, ओनली फॉर दैट इमेज आई एम पुटिंग दैट CSS, और यहाँ पर इसी इमेज को मैंने बताया 100%, अभी देखो थोड़ी देर पहले भी हमने बात किया है परसेंट की, 100% की, तो ये 100% क्या करके आ रहा है, ये 100% पहले तो पेरेंट का उठाएगा, मतलब मैं इमेज के ऊपर CSS लगा रहा हूँ, यहाँ पर इमेज के ऊपर मेरा CSS आई एम अप्लाइंग, तो इमेज के अंदर अगर मैंने 100% यूज किया तो किसका 100%, पेरेंट का, पेरेंट का विड्थ कितना 200 पिक्सल, तो अभी ट्राई करते हैं आउटपुट कितना आएगा, बढ़िया, अभी देखो आउटपुट कैसा आया, मेरा आउटपुट आया जैसा मेरे को चाहिए था, अब ये लोगो के अंदर पैडिंग या इमेज के अंदर मार्जिन लगाएंगे तो इमेज के बॉर्डर के बाहर वाला एरिया दिखेगा, राइट, अगर मैंने यहां पर मार्जिन लगाया या लोगो के अंदर पैडिंग लगाया तो दोनों में, दोनों केस में होगा क्या, इमेज और लोगो के बीच का एरिया बढ़ेगा, राइट, तो मैं यहां पर पैडिंग इंक्रीज कर देता हूं, अभी पैडिंग मैंने बताया अभी के लिए 20% चारों तरफ से, सेव, अभी देखो आप यहां पर इसका 20% के साथ ना मैं यहाँ पर 5% बताया, 5% और 5% मैंने मार्जिन बताना है, मार्जिन, बढ़िया, अभी देखो ये एक बॉर्डर है, ये एक बॉर्डर है, ये बॉर्डर कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने ना यहाँ पर पहले ही दे रखा है कि डिव जहां भी आएगा वहां बॉर्डर लगा के आओ, ये वाला सिर्फ विजिबिलिटी के लिए मैंने यूज किया, एक्चुअल रिक्वायरमेंट इसकी कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ विजिबिलिटी के लिए बनाया है, जब भी मेरा लोगो आया, लोगो अपने आप में एक कंटेनर है, उसका भी मेरे पास बॉर्डर आया, ये कंटेनर के अंदर मैंने पैडिंग भी लगा रखा है, मार्जिन भी लगा रखा है, मार्जिन बाहर का एरिया, पैडिंग अंदर का एरिया, ये बॉर्डर के बाहर का एरिया 5%, ये अंदर का 5%, 5% विद रेस्पेक्ट टू पेरेंट, ठीक है,
एक्चुअली इसको आप परसेंट में लो, इसको आप 15 पिक्सल लेके आओ, वो आपका चॉइस है। अभी पैडिंग आपने परसेंट पे हटा के पिक्सल पे रखा है, तो दोनों ही हटेंगे। अभी तो मेरा सिर्फ विजिबिलिटी के लिए मैंने रखा है, पर मेरे को दिखाना क्या है, मेरा लोगो का वेट आई हैव सिलेक्टेड एज 200 पिक्सल, वेट आई हैव सिलेक्टेड एज 200 पिक्सल। और उसके बाद इमेज को मैंने बताया लोगो के बाहर नहीं जाना, लोगों के बाहर नहीं जाना है, लोगों के अंदर रहना है। मतलब अगर इमेज छोटा है तो भी 100% है, स्ट्रेच कर दो। इमेज बड़ा है तो उसको ठूंस ठूंस के उस कंटेनर के अंदर डाल दो, पर उसको बाहर नहीं लेके आना है। तो ये वो ठूंसने वाला काम मैंने किया। मतलब आपका सूटकेस तो बहुत छोटा सा है, सामान आपने 4 लोगों का भरना है तो कैसे करते हैं, बस वो वाला काम यहाँ पे करके रखा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इमेज अगर आपको छोटा दिखाना है तो छोटा होना चाहिए, नहीं तो आप डाउनलोड तो बहुत बड़ा इमेज कर रहे हो पर विजिबिलिटी में आपने छोटा सा इमेज दिखाया, तो वो अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस है नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर के मेरे को बस ये चेक करना है, इसका वेट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका वेट और इसका वेट नहीं मैच कर रहा है, तो थोड़ा सा रिड्यूस करके देखते हैं। अभी मैंने मेरा कंटेनर का वेट लिया था, लोगों का वेट लिया था 200 पिक्सल, इसको कर देते हैं 100 पिक्सल। अभी वापस आके देखते हैं आउटपुट, ये वाला का सेम दिख रहा है। अभी कुछ कुछ सेम सा मेरे को लग रहा है। ठीक है, अभी ठीक है, सेम लग रहा है। तो मैंने जो ये फालतू का पैडिंग और मार्जिन दे रखा है ये हटा के आते हैं, ये मैंने हटाया, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सेम सा ही है, मेरे को नहीं लगता कुछ चेंज है। अच्छा, एक चेंज है, चेंज भी ये है कि यहाँ और यहाँ इतने से शुरू होना चाहिए था, तो मेरा जो विड्थ है कंटेनर का ये बढ़ा के रखना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 1120 पिक्सल, और भी ज़्यादा इंक्रीज करना है, 1140, 1200 करते हैं। अभी ज़्यादा चला गया, तो ठीक है ये आप लोग देख लेना। पर अभी के लिए मैंने क्या बताया, मैंने तो सिर्फ ये कंटेनर का वेट उठा के रखा है, या मैं पहले वाले लेके आ रहा हूँ यार, इतना चेंज नहीं करते। ठीक है, 1100 इज फाइन। तो अभी मेरा ये वेट सेट हो गया। अभी इसके बाद मैंने लोगो भी बना लिया, लोगो बना नहीं लिया, डाउनलोड करके यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद मैंने एडजस्ट किया उसको उसी वाला वेट के अंदर जो अपना लिंक्डइन का वेट है, राइट। अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पर ना मेरे को हेडर के अंदर एक कंटेनर लगेगा लोगो के लिए जो हमने बना रखा है, दूसरा कंटेनर लगेगा हमारा आइकन्स के लिए जो हमको अभी बना के रखना है, तीसरा कंटेनर मेरा लगेगा ये बटन्स के लिए जो हमको बना के रखना है। तो ठीक है, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं अभी यहाँ पर आकर के अपना HTML पेज। यहाँ पर आपने एक लोगो बनाया था, एक डिव मैंने बनाया आइकन्स के नाम से, और अभी के लिए खाली है। ठीक है, मैं सिर्फ आइकन्स लिखा, और इसके बाद मैंने एक डिव बनाया BTNs नाम से, बटन्स वाला डिव। ठीक है, इसमें भी मैंने बटन्स लिख दिया, एंड लेट्स सी आउटपुट क्या आएगा। अभी तक आउटपुट कैसा आया, सब ठीक है। ठीक है, अब ये लेआउट मेरे को कैसे करके रखना है, मेरे को एक यहाँ चाहिए, दूसरा यहाँ चाहिए, तीसरा यहाँ चाहिए। अगर मेरे को ये सब एक के बाद एक चाहिए, कॉलम चाहिए, ग्रिड चाहिए, बहुत अलग अलग तरीके हैं इसके। इसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्लोट लेफ्ट राइट से, इसको हम अचीव कर सकते हैं फ्लैक्स से, इसको हम अचीव कर सकते हैं ग्रिड से, इसको हम अचीव अलग अलग तरह से कर सकते हैं। ये दूसरे एक एग्जांपल में बताऊंगा, टेबल बना दो, टेबल में 3 कॉलम आ गए, कॉलम आपने एक कॉलम ये बना दिया, दूसरा कॉलम ये बनाया, तीसरा कॉलम ये बनाया, वो भी एक आउटपुट अचीव करने का तरीका है। ऑल्दो इट्स नॉट नाइस वे, पर हाँ ऐसे भी हो सकता है। पर अभी मैंने बताया मेरे को ये आइकन, सॉरी ये लोगो, आइकन्स, बटन्स एक साथ चाहिए एक रो में, लोगो आइकन्स बटन एक रो में चाहिए मेरे को। ठीक है, अब एक रो में चाहिए तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमने बताया हेडर को कि भाई हेडर में कुछ भी आएगा ना उसको मेरे को फ्लैक्स लेके रखना है। भाई हेडर में कुछ भी आएगा तो डिस्प्ले फ्लैक्स, हेडर में कुछ भी आया तो देखो डिस्प्ले फ्लैक्स अपने आप से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, अभी वो अपने आप से हुआ है। अभी जैसे ही ये डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने किया, यहां आप देखो
इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये वाला प्रॉपर्टी हटाया। अब देखो यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट मेरा हेडर या डिव ये सब ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स है मतलब जितना भी ये इनको स्पेस मिलेगा वो 100% ऑक्यूपाई करेंगे, और दूसरा एलिमेंट चाहे वो इनलाइन एलिमेंट हो या ब्लॉक एलिमेंट हो उसको नए लाइन में आना ही पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट डिव हेडर सेक्शन ये सब ऐसे ही काम करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर बताया डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया सेव करते ही यहाँ पर ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं रहे अभी। अभी बाय डिफॉल्ट इनके पास कैसी इंफॉर्मेशन आया, इनको बोला गया है कि आपको एक के बाद एक आना है, एक के बाद एक, राइट? ठीक है, ये भी एक के बाद एक आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। पर मेरे को अभी इसके ऊपर भी क्या करना है, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए जैसे एक के साथ एक आ रहे हैं, मेरे को ना बीच में स्पेस चाहिए। अब तो बीच में स्पेस वाला एरिया, इसको ना थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा किया, और यहाँ से ये अभी देखो, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ CSS और यहाँ पर आपको दिखेगा। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर है अभी। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने फ्लैक्स बताया, फ्लैक्स बताने का मतलब CSS का प्रॉपर्टी हैज़ बीन अप्लाइड कि भाई यहाँ जितना भी कॉलम या डिव्स आने वाले हैं वो कॉलम में आएंगे, ठीक है। अब कॉलम में तो आएंगे, पर जस्टिफाई कंटेंट में मैंने बोला सेंटर, अब देखो सब सेंटर में आ गया। जस्टिफाई कंटेंट में मैंने बोला स्पेस चाहिए मेरे को बीच में, बिटवीन, अब देखो इन सब के बीच में स्पेस आएगा। बटन वाला कहाँ गया, ये अच्छा, एक एक चेंज ये भी है, मैंने क्या कर रखा है, मैंने ना अभी के लिए उसको भी चेंज करते हैं। अब मेरे को क्या करना पड़ रहा है बार बार, या तो इसको मैक्सिमाइज करके मैं आपको दिखाऊं, पर अगर मैं इसको डिफॉल्ट व्यू पे आया, डिफॉल्ट व्यू पे मेरा स्क्रीन का विड्थ इज ऑलमोस्ट 900 पिक्सल के आसपास, पर मेरा हेडर का विड्थ मैंने दे रखा है 1100 पिक्सल, ऑब्वियसली वो 900 से बाहर जाएगा, बाहर जा रहा है ना, तो इसीलिए बस मेरे को यहाँ पर क्या बोलना है, 80% अभी के लिए ना इसको 80% लेके आते हैं कि भैया जितना भी मेरा स्क्रीन का विड्थ है वो चाहे छोटा रहेगा बड़ा रहेगा कितना भी रहेगा, बेस्ड ऑन दैट स्क्रीन का विड्थ वो अपने आप से उसका 80% लेके आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी मेरा स्क्रीन का विड्थ है वो स्क्रीन का विड्थ का 80% अपने आप से उठाएगा, तो मेरे को उसके ऊपर पेन नहीं लेना। तो अभी यहाँ मैंने बोला 80%, तो अपने आप से 80%। तो वापस से यहाँ पर आते हैं, मैंने बोला स्पेस बिटवीन, पहले था सेंटर, अब जब सेंटर था, सेंटर का मतलब सब कुछ सेंटर में, हेडर, हेडर के अंदर एवरीथिंग इज इन सेंटर, या मैंने बोला स्पेस बिटवीन, स्पेस होगा पर बस इनके बीच में होगा, वो भी इक्वल है, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड देखो चारों तरफ आएगा, मतलब इधर चारों तरफ नहीं मतलब दोनों तरफ, इसका स्पेस इतना है इसका स्पेस इतना, तो इसको भी मैं बोलूं, तो पहले वाला अगर मैं ये कंटेनर की बात कर रहा हूँ ना, ये हेडर की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हेडर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंटेनर इसने लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने दूसरा कंटेनर लिया, यहां से लेके यहां तक इसने तीसरा कंटेनर लिया, पर स्पेस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो उसने अपने आप से एडजस्ट कर लिया फ्लैक्स ने, मेरे को नहीं देखना भी, ये अपना एडवांटेज है फ्लैक्स वाला। तो फ्लैक्स में आप स्पेस अराउंड रखो, स्पेस बिटवीन रखो, इवनली, देखो अब इवनली का क्या मतलब है, इवनली का मतलब यहां का स्पेस और यहां का स्पेस सेम है। पहले वाले केस में क्या था, उसने लेफ्ट में राइट में स्पेस बराबर बराबर रखा, तो ये दोनों का डबल हो गया था, राइट। अभी क्या है, यहाँ वाला एरिया वो इक्वल जैसा कुछ दिख रहा है, राइट। तो एक तो ये आप यूज कर सकते हो, पर मेरे को ये नहीं चाहिए। अभी आउटपुट देखते हैं, मतलब एक्चुअल पेज देखते हैं कैसा है, एक्चुअल पेज कैसा है, यहाँ गैप नहीं चाहिए, यहाँ गैप नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली मेरे को स्पेस चाहिए सिर्फ बिटवीन, बीच में चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए सबके ऊपर लगा के रखना, बस ये मेरे को चाहिए था, राइट। अभी ये आउटपुट इज फाइन, ऑलमोस्ट ठीक 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 सा कुछ है ना। अब इसके ऊपर काम शुरू करते हैं अपना। इसके बाद आकर के मैंने बोला मेरे को आइकन्स के अंदर जाके आइकन लगाने हैं,